मारूफ नौजवान भारतीय अदाकार ने खुदकुशी कर ली है। तफसीलात के मुताबिक मारूफ भारतीय अदाकार कुशाल पंजाबी का 26 दिसंबर को मुंबई में रिहायशगाह पर इंतकाल हो गया। पुलिस ज़रा के मुताबिक कुशाल जमेरात की शाम 11 बजे अपनी रिहायशगाह पर पंखे से लटका हुआ मिला था। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। बताया गया है कि कुशाल पंजाबी के वालिदैन बेटे को फ़ोन कॉल्स करते रहे लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद कुशाल के घर जाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला गया। जब वालिदैन कुशाल पंजाबी की रिहायशगाह पर गए तो बेटे को पंखे से लटका हुआ पाया। पुलिस का कहना है कि कुशाल के घर से एक 1.5 सफ़े का नोट भी मिला है जिसमें कुशाल ने लिखा था कि मेरी मौत के लिए किसी को भी कसूरवार ना ठहराया जाए। कुशाल ने नोट पर मजीद लिखा कि मेरे असासों का 50% मेरे वालिदैन बहन में बराबर तकसीम कर दिया जाए और 50% मेरे 3 साल बेटे को दे दिया जाए। पुलिस ने कुशाल पंजाबी की अचानक खुदकुशी के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है। ख्याल रहे कि कुशाल की उम्र 47 बरस थी और वो अपने अहलखाना से अलग रिहायश पज़ीर था। कुशाल की अचानक मौत ने सबको हैरान कर दिया है। कुशाल के करीबी साथी अदाकारों ने भी इस बात पर इजहार अफसोस किया है। ख्याल रहे कि अदाकारों में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान में भी शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ अफराद डिप्रेशन समेत कई वजूहत की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं, जबकि ये रुझान हॉलीवुड में भी पाया जा रहा है।